सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को भी एंड तक देखिए। सो जो पहली अपडेट आ रही है वो आ रही है एल्विश यादव की ओर से। एल्विश यादव आज एक इंसिडेंट शेयर किए एंड वो रिक्वेस्ट भी किया अपने फैंस से। आप देखिए उनके वीडियो की छोटी सी क्लिप। इस रिक्वेस्ट मान लेना, चाहे फॉर्च्यूनर हो चाहे पोर्श हो, भाई गाड़ी का पीछा मत किया करो, क्योंकि गाड़ी नहीं रुकनेगी। मेन चीज मैं बताऊँ, गाड़ी रुकेगी नहीं, सिक्योरिटी पर्पज, यू नो सिक्योरिटी पर्पज नाम की चीज होती है ना, उसके लिए भाई अपने भाई की थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लो। रात को कोई डिप्पर मार रहा है, पीछे लगा रहा है, गाड़ी मत किया करो इस उम्मीद में कि भाई गाड़ी रुक जाएगी। गाड़ी नहीं रुक सकती भाई, मेरा भी समझो, मैं भी इंसान हूँ ना। और बहुत लोग हैं सपोज मीटअप, ये मीटअप में जिसने ब्लेड ब्लूड मारी, ऐसे क्या पता भाई किस आदमी का क्या भरोसा। मान लो कि भाई रुकवा लो, फोटो खिंचवाने में रुक गया। अलग अलग दिमाग के लोग होते हैं ना, आप समझ रहे होगे जो मैं कह रहा हूँ अपने भाई की बात। तो मैं थोड़ा सा पर्सनल स्पेस चाहता हूँ ज़िंदगी में, कि भाई अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं इन्जॉय कर पाऊँ, फ्रीली घूम सकूँ जैसे और कोई नॉर्मल बंदा घूमता है। इतनी आई नो आप लोग प्यार करते हो मेरे से, और वैसे हाई हेलो कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी में जा रहा हूँ, हाँ खूब हाई हेलो, साइड में गाड़ी आ गई, वैसे कहीं खड़ा दिख गया तो आ जाओ, कोई दिक्कत। सो जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है UK07 राइडर की ओर से। क्या UK07 राइडर को किसी रियलिटी शो में से ऑफर आया है, वो अपनी वीडियो में यही बताते हुए कुछ ये कहे। क्या मैं अपनी जनता से एक चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर मुझे लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पर मुझे ना यूट्यूब का प्लेटफॉर्म छोड़ करके एक बड़ा लेवल मिल रहा है ज़िंदगी में, सो ऑनेस्टली गाइज व्हाट डू यू थिंक, कि क्या मुझे यूट्यूब मतलब थोड़े टाइम पे ऑफ करने के लिए क्या उस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। आई नो मैंने अपना ग्रोथ यूट्यूब से करा था, बट व्हाट आई थिंक गाइज कि हमेशा ना एक प्लेटफॉर्म पर टिके रहना इज नॉट सस्टेनेबल। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर टीवी और बॉलीवुड की, एंड बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं बैक एंड पे, बट आई जस्ट रियली वॉन्टेड टू आस्क माई ऑडियंस कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बाबू भैया को क्या करना चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी के जितने भी डिसीजंस लिए हैं गाइज आप लोगों को पूछ करके लिए। ऑब्वियसली बातें मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ जाना है मेरे को वहाँ पर रह करके ना फ़ोन कुछ सारी चीज़ें अलाउड नहीं होंगी, सो टाइम पीरियड बहुत लंबा होगा। तो अगर लाइफ में मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है गाइज यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से हट करके बाकी किसी प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए, सो क्या वो डिसीजन लेना सही होगा नहीं होगा। सो जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है राउंड 12 की ओर से। क्या राउंड 12 की वीडियो मई में आने वाली है, क्योंकि अभी उनके एक टीम मेंबर Q&A कर रहे थे, वहीं पर उनसे पूछा किसी ने कि आपकी वीडियो कब आने वाली है, तो वो बताया कि उनकी वीडियो मई में आने वाली है। सो जो लास्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है सलमान खान की ओर से। सलमान खान अभी गए हुए थे आपकी अदालत शो में, जहां पर उनसे पूछा गया था दैट थ्रेट्स के बारे में। अभी आप लोग पता होगा लॉरेंस बिश्नोई ने भी कुछ टाइम पहले उन्हें दैट थ्रेट्स दिया था, जिसके बारे में रिएक्ट करते हुए वो कुछ ये कहे। नहीं कर सकते सर, इनसिक्योरिटी से बेटर सिक्योरिटी। है वो, हाँ सर सिक्योरिटी है, और अब तो ऐसा तो नहीं कि जो जंगल का शेर था पिंजरे में बंद है। हाँ सर, वो साइकिल चलाना, रास्ते पे अकेले कहीं पर भी जाना, वो नहीं हो पाता। और उससे भी थोड़ा सा मेरे को एक प्रॉब्लम है कि जब ट्रैफिक में होते हैं तो इतनी सारी सिक्योरिटी, गाड़ियाँ, यू नो इनकन्वीनियंस टू अदर पीपल, तो उनके लुक भी आते हैं। सलमान, ये थ्रेट तो सीरियस है। जी सर। जो थ्रेट आपको है देश के अंदर से भी है, देश के बाहर से भी है, और मैंने उसको एग्जामिन किया है। ये जो सिक्योरिटी आपको मिली है इसलिए मिली है क्योंकि ये वाकई में एक सीरियस थ्रेट है, लेकिन आप उसको सीरियसली नहीं लेते। सर जो जो मुझे कहा गया करने के लिए मैं वो हर चीज़ कर रहा हूँ सर। अब आई नो कि हमारी पिक्चर किसी के भाई किसी की जान में, वो एक डायलॉग ही है दैट दे हैव टू बी लकी 100 times, आई हैव टू बी लकी वंस, तो वो तो है ही। सो आई हैव गॉट टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन आप शूटिंग भी कर रहे हैं, अवार्ड्स फंक्शन में भी जा रहे हैं, ईद की पार्टी भी कर रहे हैं, इफ्तार में भी जा रहे हैं। सर वो पूरे सिक्योरिटी के साथ जा रहा हूँ सर मैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।